अखिलेश यादव की सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में अखिलेश यादव के कई कार्यक्रम घोषित रहे, इन्हीं में से बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कैमरी कस्बे में सपा प्रत्याशी सरदार अमरजीत सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा के दौरान सपा मुखिया जहां आपकी नब्ज टटोली वहीं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सियासी तीर छोड़ते हुए जबरदस्त चुटकी ली। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आइए दिखाते हैं आपको। रामपुर जनपद में 5 विधानसभा सीटें हैं जिनको लेकर 14 फरवरी को मतदान होगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में सरदार अमरजीत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनके समर्थन में राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारी भी भारी जनसंपर्क साध रहे हैं। कारण साफ है, यह विधानसभा क्षेत्र किसानों पर का इलाका है। पिछले दिनों दिल्ली बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन में यहाँ के किसानों ने अपनी जबरदस्त भूमिका अदा की है। बहरहाल आंदोलन खत्म हो चुका है और अब चुनाव का समय, इसी के मद्देनजर सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस विधानसभा क्षेत्र के कस्बा कैमरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा के दौरान किसानों के नब्ज टटोली तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी अपने सियासी तीर छोड़े। उन्होंने यहां तक कह डाला कि योगी आदित्यनाथ को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तक जलाने नहीं आते, जबकि उनकी सरकार द्वारा दिए गए लैपटॉप अब तक चल रहे हैं। इससे हमारे किसानों को इंतजार न करना पड़े अपने भुगतान के लिए, चाहे वो गन्ने का भुगतान हो या कोई मदद हो, हम कॉर्पस फंड बना देंगे और 15 दिन के अंदर गन्ना किसानों का पूरा भुगतान कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। समाजवादी सरकार में होगा, आपको धरने पे लगे हुए हैं। और अगर हमें चीनी मिल का अगर उच्चीकरण भी करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में उसको हम उच्चीकरण करने का भी काम करेंगे। सरकारी चीनी मिलों का भी उस कैसे बेहतर हो सके वो करेंगे। हमारा घोषणा पत्र जो बनाया समाजवादी पार्टी ने, वो योजनाएं हैं, नियम है, उसके अंदर कहां से बजट आएगा उसका भी इंतजाम है। इनकी सरकार जैसा नहीं, क्या लगातार ये झूठ बोलते रहे हो और जैसे ही चुनाव आ गया हो तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप स्मार्टफोन बांटने के लिए निकल पड़े। बाद में हमें पता लगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, टैबलेट नहीं चला पाते हैं। अभी तो हमारे गरीब लोग भी, गांव वाले भी सीख गए मोबाइल चलाना, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। बताओ रामपुर वालों, कितने स्मार्टफोन मिले आपको? किसी को मिला हो बाबा मुख्यमंत्री ने दिया हो तो बताओ। और टैबलेट देते रहे हमें 5 साल, हमें और आपको जाने कौन सी टैबलेट। और जो लैपटॉप दिए होंगे समाजवादियों ने, कभी समाजवादी सरकार में जो लैपटॉप बटे थे वो आज भी चल रहे, आज भी बंद नहीं हुए। ये लोग खुशहाली नहीं चाहते, तरक्की नहीं। आजम साहब के खिलाफ तो है ही है, लेकिन आजम साहब की जो सोच है तरक्की की, खुशहाली की, पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी बना करके आने वाली पीढ़ी को और आगे लेकर के जाए, उसके खिलाफ है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, जिस समय लोग पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, उनके पास सूझबूझ होगी तो भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं फंसेंगे। इसलिए वो लोग अन्याय कर रहे हैं और हमें उम्मीद है सरकार जाते ही अन्याय भी खत्म होगा और आपके लिए हम खुशहाली और विकास के लिए जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हमारी पार्टी के प्रत्याशी जी हैं, मैं उनके समर्थन में आपसे मांग कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि एक पीला खार में यहां पर नदी में चाहते पुल बन जाए। समाजवादियों ने बहुत पुल बनाए हैं, समाजवादी सरकार बनने पर सबसे पहले रामपुर में आपका पुल बनना शुरू हो जाएगा और विकास से जोड़ने का कोई हिस्सा रामपुर का विकास से छूटेगा नहीं। रामपुर के हर हिस्से में हम लोग विकास कराने का काम करेंगे, लेकिन इस चुनाव में आप लोग मदद कर देना, एक एक वोट साइकिल के चुनाव पर डाल करके इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करना। इस यही निवेदन मैं आपसे करने आया हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन यहाँ के किसानों ने, यहाँ के लोगों ने दिल्ली के आंदोलन को और गाजीपुर के बॉर्डर के आंदोलन को सफल बनाने का काम किया। कोई भी रुकावट आई होगी, कोई भी परेशानी आई होगी,
पुलिस से लेकर के किसी के सामना करना पड़ा होगा। यहाँ का किसान झुका नहीं, और झुका नहीं तो ये कानून वापस हो गए। गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।